इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने वाजपेयी के दीर्घायु होने की कामना की और उनके द्वारा राष्ट्र निर्माण में किए गए योगदान को याद किया। जनता पार्टी से तो कभी मैं दूर नहीं रहा, पार्टी का संगठन का काम करना और संगठन का ही काम करूंगा। अगली बार भी सोचे थे लेकिन अगली बार हमें ऐसा कोई नेतृत्व करने वाला नहीं मिला, लेकिन इस बार हमें लगा कि नहीं, हमारा नेतृत्व करने वाला अच्छा है, तो हम सोचे कि ये कंबल वाटप का एक प्रोग्राम मुरजी काका जी की वजह से उनके मार्गदर्शन में लिया जाए, तो उन्होंने हमें बोला कि आप तैयारी कीजिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। इस कार्यक्रम में वार्ड 81 के नगर सेवक मुरजी पटेल के अलावा भाजपा नेता सुनील यादव, पूर्व नगर सेवक सुरेंद्र दुबे, बाबा यादव, वनिता गावन, शेखर तावड़े, अविनाश भागवत, सुशील मिश्रा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व स्थानीय जनता उपस्थित थी। वार्ड 80 के भाजपा नगर सेवक सुनील यादव ने इस कार्यक्रम आयोजन के लिए भाजपा नेता मुरजी पटेल व वार्ड 79 की पूरी भाजपा टीम की सराहना की। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, उनकी पूर्व संध्या के ऊपर जो बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे माँ पिताजी के उम्र के हैं, उनको कंबल देना ये बहुत ज़रूरी काम है और मुझे लगता है ये अटल जी की प्रेरणा ही रही है कि समाज में अंतिम व्यक्ति तक जाकर आपने सेवा कार्य करना है, और इस सेवा कार्य के माध्यम से आज नगर सेवक मुरजी पटेल के सौजन्य से यहाँ पर सभी को भारतीय जनता पार्टी 79 की ओर से, यहाँ की पूरी टीम की ओर से आज यहाँ पर कंबल वाटप का कार्यक्रम यहाँ पर चालू हुआ, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे जनहित कार्यों की सराहना करते हुए पूर्व नगर सेवक सुरेंद्र दुबे ने कहा कि निश्चित रूप से आने वाले समय में अंधेरी विधानसभा से आमदार भी भाजपा का ही होगा। और आप लग रहा है कि अंधेरी में 7 में से 5 नगर सेवक बीजेपी के हैं, तो निश्चित रूप से आने वाला विधानसभा में अपना आमदार होगा, ऐसा लग रहा है, और लोगों की इच्छा भी है कि यहाँ बीजेपी का आमदार अंधेरी में हो, सबकी इच्छा है। भाजपा नेता मुरजी पटेल ने इस कार्यक्रम आयोजन के बारे में बताया कि इस क्षेत्र से न भाजपा का नगर सेवक है, न आमदार है, न खासदार, फिर भी इस वार्ड के लोगों को कोई भी समस्या हो तो वे मुझसे या सुनील यादव से संपर्क कर सकते हैं। हम सबके प्रेरणा स्थान अटल बिहारी वाजपेयी का आज जन्मदिन है, उस अवसर पर कंबल बांटने का कार्यक्रम हमने इस क्षेत्र में रखा है। इस क्षेत्र में इसके लिए रखा है कि हमारा नगर सेवक नहीं है, आमदार नहीं है, खासदार नहीं है, इसके लिए हम सब ने मिलकर इस क्षेत्र में कंबल का कार्यक्रम रखा है। बात रही हमारा यहाँ नगर सेवक नहीं है, मैं और सुनील यादव, हम अंधेरी कोई भी कोने में कुछ भी काम है, इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम सब है यहाँ पे। वहीं इस कंबल वितरण कार्यक्रम को लेकर स्थानीय जनता में भी खुशी देखी गई। उन्हें भगवान और अच्छा उन्नत दे, अच्छा वो करे और अच्छे में काम करके और बांटे सब बुजुर्ग को। अच्छा लग रहा है, ठंडी में मिल गया है, अच्छा लग रहा है, बुढ़ापा मनाई है, मनसेदुन आई है, गुजर गया है, काफी सीजन कम्बल मिला तो बहुत अच्छा लगा ना, मोदी का तरफ से मिला ना, सबको खुश हो गया, अच्छा है। हम तो सबसे हो सके तो हम और गारंटी दे, हमको बेकार है और करम नहीं, जवान कुछ हमारे सबके मदद हो, मदद दे अब नहीं। वार्ड 79 की जनता जिस तरह लगातार भाजपा की ओर झुकाव बढ़ाती जा रही है, ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा ने मुरजी पटेल के नेतृत्व में शिवसेना के इस किले को फतह करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं।